बेनीपार पुलिस ने सोमवार की रात गश्त के दौरान देसी तमंचा व कारतूस के साथ पूर्व में लूट के अपराध में जेल गए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बेनीपार थाने के उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, आरक्षी यतेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार चौहान के साथ सोमवार की रात राप्ती नदी के किनारे स्थित गाँव मलाव में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चंदा घाट मलाव से झंगा की ओर आ रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा, जिसकी पहचान पूर्व में लूट के अपराध में जेल गए अपराधी राहुल मिश्रा पुत्र कमला मिश्रा निवासी मलाव थाना बेनीपार के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से तलाशी में एक अदद देसी तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है, जिसे 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या 30/20 धारा 392, 323, 427, 411 थाना बेनीपार में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, ये बेनीपार थाने में एक गांव है मलाव, वहाँ का राहुल मिश्रा जो पहले लूट के मामले में भी जेल जा चुका है, जमानत पर है। कल रात को बेनीपार पुलिस ने उसे एक तमंचे के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए पकड़ा। मोटरसाइकिल उसकी अपनी है, तमंचा कारतूस उसके पास बरामद होने के कारण आर्म्स एक्ट में उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।